आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम उन शिक्षकों के बारे में जानेंगे जिसने 27 अक्टूबर 2020 तक अपना रजिस्ट्रेशन दीक्षा ऐप में करवा चुके हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से हम 2500 पेज में अपना नाम आसानी से ढूंढ सकें। नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं रवि ठाकुर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन में। साथियों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राज्य के समस्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों और प्रधान पाठकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने जा रही है। इस संदर्भ में आज राज्य कार्यालय ने 2500 पेज का एक सूची जारी किया है पीडीएफ के माध्यम से, जिसमें उन शिक्षकों के नाम इस सूची में हैं जिन लोगों ने अभी तक अपना पंजीयन दीक्षा ऐप में करवा चुके हैं। शिक्षक साथियों, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, दीक्षा ऐप में पंजीयन करवाने की अंतिम तारीख पहले 19 अक्टूबर 2020 था, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 1 नवंबर 2020 कर दिया है। साथियों, अगर आपको पंजीयन करने में किसी प्रकार से दिक्कत हो रही हो तो ऊपर आई बटन को टच करके आप पंजीयन से संबंधित एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, ये 2500 पेज के लिस्ट में उन शिक्षकों का नाम है जो 27 अक्टूबर 2020 तक अपना पंजीयन इसमें दीक्षा ऐप में करवा चुके हैं। तो शिक्षक साथियों, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप मैंने आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप जो हैं वो अपना नाम उसमें देख सकते हैं। चूँकि शिक्षक साथियों, 2500 पेज एक बहुत बड़ी नामों की लिस्ट हो जाती है, जिसमें हम अपने नाम ढूंढने में हमें थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो इसके लिए साथियों, आपको क्या करना होगा, नीचे मैंने जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक को आप टच करेंगे, और लिंक को टच करने के बाद पीडीएफ के माध्यम से इस प्रकार से आपको लगभग 2572 पेज दिखाई देंगे। ये 2572 नाम नहीं है साथियों, ये 2572 पेज है। इस 2572 पेज में आपको अपना नाम खोजने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने नाम का शुरुआती अक्षर आप डाल सकते हैं, अपना सरनेम डाल सकते हैं, या अपने जिले के जो नाम है उसको जा डाल सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ, आपके जो स्कूल का जो डाइस कोड है, उस डाइस कोड को अगर आप डालेंगे और उसके बाद अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से डाइस कोड के माध्यम से अपना नाम दिख जाएगा। अगर साथियों आपका नाम इसमें दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि आपका पंजीयन जो है वो सही तरीके से दीक्षा ऐप में हो चुका है। और अगर यहाँ पर आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो साथियों, आपको पुनः दीक्षा ऐप में अपना पंजीयन करना होगा। तो शिक्षक साथियों, आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप आसानी से अपना नाम जो है वो 2500 पेज में ढूंढ पाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको इसी प्रकार से जानकारी मिलती रहे। शिक्षक साथियों, नमस्कार।